एकलव्य विद्या संकुल पार्ट वन में हमने नंबर काउंटिंग सीखा था। तो जैसे अगर हमारे पास 10 चीजें हों या 10 ऑब्जेक्ट्स हों, तो उन 10 ऑब्जेक्ट्स को हम एक साथ एक ग्रुप में रख सकते हैं और हम कह सकते हैं हमारे पास क्या है, अ ग्रुप ऑफ 10। तो उस केस में हम कहते हैं 110। 110 का मतलब एक ऐसा बंडल या ग्रुप जहां पर 10 चीजें हैं या 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 10 की क्या स्पेलिंग होती है, TEN, 10। नेक्स्ट क्या है, 11। तो 10 के बाद क्या आता है, 11। 11 की क्या स्पेलिंग है, ELEVEN, 11। नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है, दैट इज 12, TWELVE, 12। स्टूडेंट्स, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, 9 से जब हम 1 ऐड करते हैं, सो वी गेट 10, और अ बंडल ऑफ 10, एक ऐसा ग्रुप जहां पर 10 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सिमिलरली 10 से जब हम 1 ऐड करेंगे, सो वी विल हैव 11। ठीक उसी तरह से 11 प्लस 1 मतलब 11 चीजें हमारे पास हैं, एक और ऑब्जेक्ट हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हुए, 12 ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। 13 की क्या स्पेलिंग है, THIRTEEN, 13। नेक्स्ट 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14, और 14 की क्या स्पेलिंग है, FOURTEEN, 14। नेक्स्ट 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। 15 इज FIFTEEN, 15। नेक्स्ट 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, और 16 की क्या स्पेलिंग है, SIXTEEN, 16। नेक्स्ट 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। 17 की स्पेलिंग होती है SEVENTEEN, 17। नेक्स्ट अगर 17 से हम 1 ऐड करते हैं, वी गेट 18, एंड 18 की स्पेलिंग है EIGHTEEN, 18। नेक्स्ट 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19, एंड द स्पेलिंग ऑफ 19 इज NINETEEN, 19। नेक्स्ट 19 प्लस 1 इज इक्वल टू 20, और 20 क्या होता है, 20 इज 2 tens। सो 19 प्लस 1, 19 से जब हम 1 ऐड करते हैं, वी गेट 20, और इसकी स्पेलिंग है TWENTY, 20। और स्टूडेंट्स 10 प्लस 10 होता है इक्वल टू 20, ये हमने पिछले चैप्टर में भी सीखा था। 20 इज नथिंग बट 2 tens। आप देख सकते हो अगर हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और हम 10 ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हैं इनसे, तो टोटल हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, 20 ऑब्जेक्ट्स। और 10 ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब हुआ, 110 और अ ग्रुप ऑफ 10, और ये भी यहां पर 10 ऑब्जेक्ट्स है, मतलब दिस इज 10 ऑब्जेक्ट्स और इट इज अ ग्रुप हैविंग 10 ऑब्जेक्ट, जिसको सिंपली हम कहते हैं 110, मतलब अ ग्रुप हैविंग 10 ऑब्जेक्ट्स। इट इज इक्वल टू 20 मींस 2 tens। So therefore 110 plus 110 is equal to 2 tens. This is one group of 10 objects. This is also one group of 10 objects. So total kitne group of 10 objects ho gaye? 2 groups of 10 objects, which is simply 2 tens. So next topic is complete the table. So students, agar aapke paas ye book hai, to aap mere saath saath apne book par likho. Agar aapke paas ye book nahi hai, तो कोई भी नोटबुक पर आप मेरे साथ साथ लिखो। सबसे पहले क्या है, 110। 110 इज सिंपली इक्वल टू 10, मतलब 110 का क्या मतलब हुआ, अ बंडल ऑफ 10 और अ ग्रुप ऑफ 10। ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पर 10 ऑब्जेक्ट्स है। यहां पर आप देख सकते हो इस ग्रुप में या इस बंडल में टोटल 10 मैचस्टिक्स हैं। सो 110 इज सिंपली इक्वल टू 10, और 10 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे।
अब हम 10 लिखेंगे यहां पर, तो आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो। 1 को आप दो तरीके से लिख सकते हो, आप चाहो तो 1 को ऐसे लिख सकते हो या फिर आप 1 को ऐसे लिख सकते हो। तो इन दो तरीकों से आप 1 लिख सकते हो। अभी के लिए हम इस तरह से 1 को लिखेंगे। तो यहां पर हम 10 लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो 10 को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो 1 और फिर 0। सो व्हाट इज 1 एंड देन 0? इट इज 10। सिमिलरली यहां पर भी हम लिखेंगे 10 और यहां पर भी हम लिखेंगे 10। ठीक उसी तरह से यहां पर भी आप 10 लिखो। सो दिस इज 110। अगेन दिस इज 110। दिस इज 110। दिस इज 110 एंड सिमिलरली दिस इज 110। ठीक है स्टूडेंट्स, इन बॉक्सेस को आप फिर से खुद से फिल कर लेना एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज 11। सो 110 एंड 11 इज सिंपली इक्वल टू 11। तो यहां पर हमने अभी पढ़ा था व्हाट इज 10 प्लस 1 इक्वल टू। अगर हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक और ऑब्जेक्ट अगर हम ऐड करते हैं, वी हैव 11 ऑब्जेक्ट्स। सो दैट इज सिंपली इक्वल टू 110। यहां पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। और हम क्या कर रहे हैं? यहां पर एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं जो कि यहां पर मैचस्टिक है हमारा ऑब्जेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो जाएंगे? दैट विल बी 11। सो देयरफॉर 11 इज इक्वल टू 110 एंड 11। तो चलिए यहां पर अब हम 11 लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले 1 और फिर 1, तो ये हो गए 11। फिर से लिखते हैं 1 एंड 1, सो दिस इज 11। नेक्स्ट अगेन 1 1 11, अगेन 1 1 इज 11, 1 1 11, अगेन 1 1 11, 1 1 11, सिमिलरली 1 1 11। ठीक उसी तरह से इन बॉक्सेस को भी आप फिल करो। नेक्स्ट इज 12। तो यहां पर मैंने आपको बताया था अगर मैं 11 से 1 ऐड करूं, वी विल गेट 12। सो 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। 12 को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, 110 एंड 2 वंस। अगर आपके पास 10 का एक बंडल हो और यहां पर आप दो ऑब्जेक्ट्स और ऐड कर रहे हो, सो वी विल गेट 12। तो यहां पर हमारे पास क्या है? 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। यहां पर कितने हैं? 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। 2 वंस का मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स, 110 का मतलब अ बंडल ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स। तो 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। सो 12 इज सिंपली इक्वल टू 110 एंड 2 वंस। तो चलिए अब हम 12 लिखना सीखते हैं। 12 इज 1 फॉलोड बाय 2। सिमिलरली 1 फॉलोड बाय 2 12। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 फॉलोड बाय 2 इज 12। 1 2 12, 1 फॉलोड बाय 2 इज 12। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप इन बॉक्सेस में भी 12 लिख लो। तो स्टूडेंट्स, जब मैं 1 बोलता हूं तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे यहां पर है 3 वंस, इसका क्या मतलब हुआ? तो यहां पर हर एक मैचस्टिक एक 1 के बराबर है। जैसे यहां पर है 110, तो 110 में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं? 10 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जैसे हम यहां पर देख सकते हैं, ये क्या है? दिस इज अ पॉट, और यहां पर एक ही पॉट है, तो हम कहेंगे 1 1। तो हम देखते हैं कि 110 हम कब कहेंगे। तो जैसे ये एक पॉट है, ये दूसरा पॉट है, तो ये दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 1। तो जैसे ये है एक पॉट, सो दिस इज 1 1। ठीक उसी तरह से ये भी है एक पॉट और ये भी है 1 1। अगर इस तरह के और भी पॉट्स हमारे पास आते हैं तो वो भी हर एक पॉट इक्वल टू होगा 1 1। सो ये पॉट भी है इक्वल टू 1 1।
ठीक उसी तरह से दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 1। ठीक उसी तरह से यहां पर आप देख सकते हो तीन मैचस्टिक है, सो दैट इज इक्वल टू 3 1s। क्यों? क्योंकि यहां पर तीन मैचस्टिक है और हर एक मैचस्टिक इट इज इक्वल टू 1 1। जैसे स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम पॉट्स को देखें तो हर एक पॉट इट इज इक्वल टू 1 1। तो यहां पर टोटल कितने पॉट्स है? एक और एक दो पॉट्स है। तो दिस पॉट इज इक्वल टू 1 1, दिस पॉट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 1। दोनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 2 1s। दोनों पॉट्स मिलाकर के हो जाएंगे 2 1s। ठीक उसी तरह से अगर एक पॉट और हमारे पास आ जाए तो दैट पॉट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1 1। तो अब अगर मैं पूछूं इट टोटल कितने वंस या टोटल कितने पॉट्स है तो आप क्या कहोगे? तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स हियर? तो दिस इज 1 1, दिस इज अगेन 1 1 एंड दिस इज अगेन 1 1। तीनों को एक साथ काउंट करें तो दैट विल बी इक्वल टू 3 1s। तो यहां पर हर एक पॉट 1 1 के बराबर है। ठीक उसी तरह से यहां पर अगर आप मैचस्टिक्स को देखो तो हर एक मैचस्टिक 1 1 के बराबर है। जैसे दिस इज 1 1, दिस इज ऑल्सो 1 1 और ये भी इक्वल टू है 1 1। तो टोटल मिलाकर के कितने मैचस्टिक्स हैं? तीन मैचस्टिक्स, सो दैट इज इक्वल टू 3 1s। तो अब मैं स्टूडेंट्स अगर इस तरह के पॉट्स रख दू तो आप क्या कहोगे यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं? अगर वंस के टर्म में देखें तो हर एक पॉट जो है यहां पर हर एक पॉट इट इज इक्वल टू 1 1, सो दिस पॉट इज ऑल्सो 1 1, ये भी 1 1, ये भी 1 1, सारे पॉट्स जो है दैट इज इक्वल टू 1 1। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ पॉट्स काउंट करें तो वो कितने हैं? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं? 10। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 10 1s। तो यहां पर है टोटल 10 1s। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इन सारे पॉट्स को यूज करके हम एक ग्रुप बना सकते हैं 10 का, क्योंकि टोटल यहां पर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इनको हम एक साथ रख देंगे तो वहां पर हमारा एक ग्रुप बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे क्या? 1 10। तो यहां से हम देख सकते हैं 1 10 इज सिंपली इक्वल टू 10 1s। तो यहां से हमें क्या पता चला? दैट 1 10 इज इक्वल टू 10 1s, क्योंकि एक 10 का मतलब क्या? अ ग्रुप ऑफ 10। इसमें 10 ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू 1 1। सो देयरफॉर 1 10 विल हैव 10 1s। सो द नेक्स्ट नंबर इज 13। 13 इज इक्वल टू 1 10 एंड 3 1s। 1 10 का मतलब यहां पर कितने 1s हैं? यहां पर हैं 10 1s एंड यहां पर 3 1s हैं, दैट इज सिंपली इक्वल टू 3 और 3 1s। सो दैट इज इक्वल टू 13। तो यहां पर 10 मैचस्टिक्स हैं और यहां पर 3 मैचस्टिक्स हैं, इसीलिए 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। तो नेक्स्ट हम 13 लिखना सीखेंगे। 13 इज 1 followed by 3। तो इस तरह से हम लिखते हैं, फिर से लिखते हैं 1 followed by 3 1 followed by 3। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इन बॉक्सेस में भी 13 लिखो। नेक्स्ट इज 14। 14 इज 1 10 एंड 4 1s। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, तो अगर आप देखो 1 10 का मतलब यहां पर कितने मैचस्टिक्स हैं? 10 मैचस्टिक्स हैं। अगर आप इस बंडल को खोल दो आपको 10 मैचस्टिक्स मिल जाएंगे, मतलब हर एक मैचस्टिक 1 1 के बराबर होता है। तो 10 मैचस्टिक्स हो जाएंगे 10 1s के बराबर और यहां पर कितने हैं? 4 1s। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 10 1s का एक ग्रुप बना देते हैं जो बन जाता है 1 10, और जो रिमेनिंग मैचस्टिक्स हैं वो लूज मैचस्टिक्स रहते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 4 1s। सो देयरफॉर 14 इज इक्वल टू 1 10 एंड 4 1s। 14 को कैसे लिखते हैं? 1 followed by 4, 1 followed by 4। ठीक उसी तरह से यहां हम लिखेंगे सबसे पहले 1 followed by 4, दिस इज 14। 1 को हम इस तरह से लिख लेते हैं, सो 1 followed by 4 इज 14। ठीक उसी तरह से 1
followed by 4 is 14, 1 followed by 4 is 14. Next आप बताओ students, 15 में कितने tens और कितने ones होंगे? So 15 is 1 ten and 5 ones. 1 ten का मतलब यहाँ पर है 10 ones और यहाँ पर कितने matrix हैं? तो 5 matrix है. तो हर एक matrix यहाँ पर equal to है 1 1. So therefore total यहाँ पर 5 matrix हैं. इसलिए यहाँ पर हो गए 5 ones. So therefore 15 is equal to 1 ten and 5 ones. 15 को कैसे लिखेंगे? 1 followed by 5. 1 followed by 5. ठीक उसी तरह से यहां पर लिखेंगे 1 followed by 5. 1 followed by 5. 1 followed by 5 is 15. Next.